हाय दोस्तों, गर्मी काफ़ी है, पंखा भी चल रहा है, फिर भी देखा पसीना आ गया। काम जितना था कंप्लीट हो गया, एक गाड़ी का इंडिकेटर बल्ब लगाए वो हो गया कंप्लीट, तो दो गाड़ी आया था उसका वीडियो भी अपलोड हो गया। तो एक था 350 cc क्लासिक, उसमें काम नहीं, चार इंडिकेटर बल्ब जैसे लगे नहीं जलता है, काम ही नहीं करता है। और एक जो 220 में लगा है वो बिल्कुल काम कर रहा है। तार बुलेट में जो लगा था तो चार काम नहीं करता है, तो एक खुल ले इंडिकेटर बल्ब, एक खुल ले, अभी तीन तीन जो है ना, तीन हो गया वही बोला। चार बल्ब का कीमत है 600 रुपया, 599 रुपया। तो एक गाड़ी का साथ जो रहता है 30-35 बोला वही है, वो बिल्कुल काम कर रहा है, मतलब तीन वही 150, जो एक पीस का 150 रुपया दाम है, 150 रुपया। चार लगाते हैं 600 रुपये का बल्ब हो गया, चार बल्ब लगाने से बुलेट में काम नहीं करता है। और एक खुल के ओरिजिनल वाला लगाते हो जो 30-35 का बल्ब आता है, तो तीन वही बल्ब और एक हो गया गाड़ी का जो साथ में था वही बल्ब आ तब काम करता है। चार बल्ब रॉयल इनफील्ड में काम नहीं किया, तो ओनली वो 220 पल्सर में काम आ गया। वो पहले भी हम ये डब्बा देखा दिए थे एलईडी बल्ब, तो आज जो करीब 2 दिन या 3 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे जो कौन सा बजाज पल्सर ABS में जो प्रॉब्लम हुआ था, जो पुराना वाला लगाए थे तो कभी कभी किया था वो फॉल्स मार देता था, ठीक है ना, जैसे अचानक मारते तो ब्रेक काम होता है, धीरे धीरे मारने से क्या होता है काम नहीं करता है, छोड़ देता है ब्रेक। तो उसका डिस बॉकेट भी मिल गया, उसका वीडियो भी बना लिया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था कैमरा में वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, वो कल सुबह 8 बजे या 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे का बीच में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। और दोस्तों इस चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन घंटी मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा, और वीडियो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। कई चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा रिपेयर के बारे में, कौन सा पार्ट्स का दाम कितना है, अगर आप लोग को कोई जरूरी हो गया मतलब इस पार्ट्स का दाम कितना है, थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, 10-20 रुपये कम बेस हो सकता है, मगर एक आइडिया दे देंगे 90% या 80% काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, एक आइडिया ले सकते। कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ तो हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे दोस्त, थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर काम का मूड में रहेंगे तो टाइम लग सकता है, तो आज कमेंट किया कल रिप्लाई करेंगे या परसों, अगर टाइम मिल गया तो साथ ही साथ रिप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे, मुझे अगर जानकारी है तो उसका बारे में, जैसा हम लोग का एरिया में जैसा गाड़ी चलता है इसका बारे में तो लगभग 90% मुझे मालूम है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मिंडा कंपनी हो गया, सुप्राजित हो गया, ESK हो गया, बहुत सारा कंपनी है, और एक हो गया लाइन कंपनी, टाइगर कंपनी, बहुत सारा कंपनी होता है, टाइगर कंपनी का थोड़ा रेट कम है, लाइन कंपनी का भी रेट कम है, जैसा सुप्राजित हो गया, मिंडा हो गया, स्विज हो गया, वो सब का ब्रांडेड कंपनी होगा, उसका थोड़ा महंगा है पार्ट्स का कीमत, कहीं पे कम बेस हो सकता है, मगर एक हम आइडिया दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, वो जो 220 का डिस मेजर किट हम लोग लगाए थे, डिस बॉकेट कौन सा मॉडल लगता है, कैसे लगा और कैसा काम करता है, पूरा वीडियो बना हुआ है, करीब 8 मिनट या 9 मिनट का वीडियो है, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो गया इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाए, तो अभी लगभग फिलहाल लाइन में आ गया, तो करीब सुबह 8 बजे और 9 बजे का बीच में हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों और एक डिलक्स का काम हुआ था उसका भी हो गया, उसका फिर छोड़ेंगे करीब रात 8 बजे के आसपास, दो वीडियो कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, एक सुबह 8 बजे से 9 बजे का बीच में, मतलब 8 बजे या 8:30 बजे वो डिस ABS का डिस बॉकेट जो फिटिंग किया उसका वीडियो आ जाएगा, और करीब शाम 7 या 8 बजे आ जाएगा CD डिलक्स का जो प्रॉब्लम था, स्टारिंग प्रॉब्लम, वाल्व या टाइमिंग चेन, उसका वीडियो करीब 7 या 8 बजे शाम तक आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।